स्टेप वन, डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। आपका ब्रेकफास्ट को स्किप करने से आप कोई भी वेट लॉस नहीं हो सकते हैं। थोड़े लोगों ने समझते हैं हमें ब्रेकफास्ट को स्किप करने से, ब्रेकफास्ट को ना लेने से हमें वेट लॉस हो सकते हैं बोल के, पन की ये रॉन्ग वे है। आप ब्रेकफास्ट को ना लेने से आप कोई भी वेट लॉस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट को स्किप करने से, ब्रेकफास्ट को ना लेने से आपको दोपहर टाइम में, लंच टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हंगरी लगती है, इसलिए आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का फूड लेते हैं, इसलिए आप वेट लॉस ना हो सकते हैं, वेट और भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आप ब्रेकफास्ट को मत स्किप करो, ब्रेकफास्ट को रेगुलरली लेना पड़ता है आप वेट लॉस होने के लिए। स्टेप टू, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। आप फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप फ्रूट्स को लेना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप फ्रूट्स को लेने से आपको आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का एनर्जी जनरेट होता है आपके बॉडी पर, इसलिए आप ऑटोमेटिकली दोपहर टाइम में या लंच टाइम में ऑटोमेटिकली आप कम से कम क्वांटिटी का फूड लेते हैं ऑटोमेटिकली, इसलिए आप इजी से वेट लॉस हो सकते हैं आप कंटिन्यू से ज़्यादा क्वांटिटी का फ्रूट्स लेने से डेली। स्टेप थ्री, स्टॉप ईटिंग कार्बोहाइड्रेट फूड्स। आप कार्बोहाइड्रेट फूड्स को लेने से मना करो। आप कार्बोहाइड्रेट फूड्स लेने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी पर। यह कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी पर 4 कैलोरीज का एनर्जी जनरेट होता है हमारे बॉडी पर। ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हमारे बॉडी पर जनरेट होने के कारण से हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस ना हो सकते, वेट और भी बढ़ जा सकते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है बोल के मैं आपको बताता हूँ। आप ये फूड आइटम को लेने से अवॉइड करो, ये फूड आइटम्स को ना लेना जरूरी है आप वेट लॉस होने के लिए। और ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा हमें केले में मिलता है, बनाना में मिलता है और आलू में मिलता है, पोटैटोस और स्वीट पोटैटोस, नेक्स्ट व्हीट ब्रेड, नेक्स्ट ब्राउन राइस, नेक्स्ट चपाती आइटम्स, ये फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स फूड आइटम्स को आप ना लेने से आप इजीली वेट लॉस हो सकते हैं। स्टेप फोर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरली आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लेने से भी आप वेट लॉस हो सकते हैं, क्योंकि थोड़े समय पर हमारा ब्रेन ने हमारे बॉडी को रॉन्ग से इंटीमेट करता है, आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है ना समझ कर आपका ब्रेन आपको रॉन्ग से इंटीमेट करता है। थोड़े समय पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा थर्स्टी लगती है, प्यास लगने के समय पर हमको भूख लग रही बोल के हमारा ब्रेन ने हमको रॉन्ग से इंटीमेट करता है, इसलिए हमें सही में भूख लग रही समझ कर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में फूड लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमें फूड लेने के कारण से हमें वेट लॉस ना हो सकते हैं, वेट और भी बढ़ जा सकते हैं, इसलिए हमें फूड लेने के पहले 2 ग्लास ऑफ वाटर लेना जरूरी है वेट लॉस होने के लिए। 2 ग्लास ऑफ वाटर लेने के कारण से हमें हमना को ऑटोमेटिकली हमना को प्यास लग रही है, भूख लग रही है बोल के हमारा ब्रेन राइट वे में समझ कर लेकर हमना को राइट मैसेज देता है, हमना को फूड लेना जरूरी है या पानी लेना जरूरी है, इसलिए हमें रेगुलरली वाटर यूज़ करना जरूरी है। ये वाटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से भी हमें वेट लॉस हो सकते हैं। स्टेप फाइव, ड्रिंक ग्रीन टी। अब ग्रीन टी लेने से भी वेट लॉस हो सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी में ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं ग्रीन टी में। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी को फैट को बर्न करता है और हमारे बॉडी को हेल्थी से रखता है ये एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए हमें ग्रीन टी लेना जरूरी है हमें वेट लॉस होने के लिए। ये ग्रीन टी हम को हमारे बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को बर्न करता है और हमें नेचुरल सी स्लिम सी होने के लिए हेल्पफुल करता है ये ग्रीन टी, इसलिए नेचुरली हमें ग्रीन टी लेने से भी हमें वेट लॉस हो सकते हैं। स्टेप सिक्स, डोंट ड्रिंक कूल ड्रिंक्स एंड सोडा आइटम्स एंड आइसक्रीम्स। ये कूल ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमको शुगर लेवल्स रहते हैं, ये शुगर लेवल्स से हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस ना हो सकते हैं, वेट और भी बढ़ जा सकते हैं शुगर लेवल्स होने के कारण से सॉफ्ट ड्रिंक्स में, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स को हमें प्लीज़ अवॉइड करो और वेट लॉस होने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक को आप प्लीज़ अवॉइड करो। स्टेप सेवन, डोंट ईट जंक फूड्स। और जंक फूड्स मतलब आली फूड्स। ये आली फूड्स को लेने से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस ना हो सकते हैं, वेट और भी बढ़ जा सकते हैं, क्योंकि ये आली फूड्स और जंक फूड्स में हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रहते हैं। ये जंक फूड्स का मतलब क्या क्या होता है बोल के, ये जंक फूड्स मतलब फास्ट फूड आइटम्स लाइक गोभी मंचूरियन, नूडल्स, कटलेट, पाव भाजी, ये फूड आइटम्स में आप लेने से मना करो। इसमें आली आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, इसलिए ये फूड आइटम्स को लेने से मना करो आप वेट लॉस होने के लिए। और इसके साथ साथ आप केक आइटम्स और चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स को भी अवॉइड करो आप वेट लॉस होने पर। डू गुड स्लीप। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप करने से भी आप वेट लॉस हो सकते हैं बोल के थोड़े सर्वेस में साइंटिफिक से प्रूव हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद जाने के कारण से भी। स्टेप नाइन, प्रिपेयर फूड इन योर होम ओनली। आपके घर पर ही आप प्रिपेयर करें फूड को लेना, ऐसे आप बेहतरीन है आप वेट लॉस होने के लिए। आप वेट लॉस होने के लिए आप ऑयली फूड्स और जंक फूड्स को ना डालने से आप इजीली वेट लॉस हो सकते हैं आपके घर पर ही प्रिपेयर करें फूड को लेने से। स्टेप 10, यूज स्मॉलर प्लेट। आप स्मॉलर प्लेट यूज़ करने से भी वेट लॉस हो सकते हैं, क्योंकि आप फूड लेने के लिए आप स्मॉलर प्लेट को यूज़ करें तो आप मेंटली फिक्स होते हैं मैं कम से कम फूड लेना पड़ता है बोल के। आप स्मॉलर प्लेट में फूड
फूड डाल के आप फूड लेते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा फूड खा रहा हूँ बोल के समझ कर कम से कम फूड लेते हैं ऑटोमेटिकली। थोड़ा स्मॉल चेंज बट ये दिन भर दिन ये इसे रेगुलरली मेंटेन किया तो आप इजीली वेट लॉस हो सकते हैं, इसलिए आप इजी से आसान से वेट लॉस हो सकते हैं ये स्टेप को फॉलो किए तो। स्टेप 11 डू सम स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफ, आपके लाइफ में थोड़े थोड़े स्मॉल चेंजेस किए तो भी आप हेल्दी से आसान से वेट लॉस हो सकते हैं। स्मॉल चेंजेस मतलब आप मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम एक्सरसाइज या योगा मेडिटेशन लाइक रनिंग लाइक वॉकिंग ऐसे किए तो भी आप हेल्दी से आसान से वेट लॉस हो सकते हैं। स्टेप 12 नॉर्मल वॉकिंग, आप मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पर आप नॉर्मल वॉकिंग किए तो भी आप हेल्दी से आसान से वेट लॉस हो सकते हैं। आप 12 स्टेप फॉलो किए तो आप हेल्दी से आसान से वेट लॉस हो सकते हैं। और मोर हेल्थ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो।